आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कल हमने डिस्कस कर लिया था सिंपल माइक्रोस्कोप, तो आज हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो होता क्या था, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता था उसमें एक कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते थे, वो कुछ इमेज को बड़ा करके अपने को दिखाता था, मैग्निफिकेशन आता था उसका, कुछ ना कुछ इमेज बड़ी करता था। लेकिन और ज्यादा अगर अपने को इमेज बड़ी करनी है तो हम दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, तो वो बन जाता है अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करेंगे मैग्नीफाइंग पावर को इंक्रीज करने के लिए। तो समझते हैं कैसे क्या काम करता है ये। तो इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन तो इसमें क्या है कि ट्यूब होती है, सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, और इस ट्यूब के दोनों एंड पर कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं। इधर जो लेंस होता है इसको हम बोलते हैं, इसकी फोकल लेंथ स्मॉल होती है और इसकी फोकल लेंथ अपर्चर बड़ा होता है एज कम्पेयर टू दिस, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसको हम बोलेंगे आई पीस। क्यों बोलेंगे, उसके पीछे भी रीजन है। देखो इस टाइप से होगा, जैसे सिलेंड्रिकल एक ट्यूब है उसका एक लेंस इधर लग जाएगा, दूसरा लेंस इधर लग जाएगा। तो जैसे अपने को कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है, मान लो मुझे ये कुछ देखना है, उसको हम ऐसे करके देखते हैं, तो ऐसे करके जब देखेंगे तो ये वाला जो लेंस है ये तो ऑब्जेक्ट की साइड में रहेगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। और इधर का जो लेंस है ये आई की तरफ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आई पीस। तो ये दो लेंस होंगे इसमें। अभी कैसी बड़ी इमेज बनाता है उसको समझते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में अपने को यही लिखना है, इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं जो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब पर कसे होते हैं दोनों साइडों में, एक लेंस की फोकल लेंथ और अपर्चर छोटा होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा लेंस जो आई की तरफ होता है उसकी फोकल लेंथ और अपर्चर बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं आई पीस। अब समझते हैं वर्किंग क्या है इसकी, कैसे ये बड़ी इमेज बनाता है उसको समझते हैं। डायग्राम है, काफी इंपोर्टेंट डायग्राम हम बनाएंगे अब। तो अपने को दो लेंस बनाने हैं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो देखो दो लेंस हम बनाते हैं यहाँ पर, एक लेंस ये है और दूसरा लेंस ये है, ये बड़ा बनाएंगे इधर वाला आई पीस जो है, इनका प्रिंसिपल फोकस सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है, इस लेंस का नाम है LO ऑब्जेक्टिव लेंस और ये है LE आई पीस लेंस। इसकी फोकल लेंथ सपोज दैट M नोट है फोकल लेंथ ऑफ। तो वर्किंग की हम बात कर रहे हैं कैसे काम करता है, तो हमने दो लेंस बना दिए, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है LO और ये है आई पीस जो कि आई की तरफ होता है, ये ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। इस ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो है सपोज दैट एफ ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, और आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो है एफ ई। तो ये इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी, यहाँ पर एक फोकस बिंदु है सपोज एफ ओ, इतनी डिस्टेंस पर इधर होगा सेकेंडरी फोकस एफ ओ। इसका जो फोकल लेंथ है वो इसकी कंपेरिजन में बड़ा है, तो हम मान लेते हैं इसका फोकस है एफ ई, इतनी डिस्टेंस पर इधर होगा एफ ई सेकेंडरी फोकस ऑफ आई पीस। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसकी अपने को इमेज बनानी है। तो हमने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा ए बी,
तो ये कोई ऑब्जेक्ट है अपना ए बी, तो इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लिखेंगे यू से, और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है तो यू नोट यू जीरो कर देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी। साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो देखो इंसिडेंट लाइट इधर है तो इधर की डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसकी इमेज बनाएगा ये वाला लेंस, तो देखो इमेज बनाने के लिए आपने को दो लाइट रेज लेनी होती है, वन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और सेकंड लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो हमने दो लाइट रेज ली, यहाँ पर एक लाइट रेज ये है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये फोकस से पास होगी, इसका फोकस है तो ये यहां से पास हो जाएगी ऐसे। दूसरी जो लाइट है वो हम ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं, वो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी, तो ये जो इमेज है यहाँ पर बनती है इसको हम बोल लेते हैं ए डैश बी डैश। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी इमेज डिस्टेंस जिसको हम लिखते हैं बी से। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है तो बी जीरो लगा देंगे। साइन कन्वेंशन की बात करें तो इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव हो गया ये। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस वाले लेंस में यहां पर बना दी। अब ये जो इमेज है ये इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसकी अब जो फाइनल इमेज है इसकी वो ये वाला लेंस बनाएगा। तो इमेज बनाने के लिए अगेन वही दोबारा से इस ऑब्जेक्ट से दो लाइट रे ले लेते हैं, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये फोकस से पास होगी, इसका फोकस है यहां से पास हो जाएगी। दूसरा हम ऑप्टिकल सेंटर पे ले लेते हैं, तो यहां पर देखो ये दूर होती जा रही है तो यहां पर ये मिलेंगी नहीं, इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं दोनों लाइट रेज को, इसको भी हमने पीछे की तरफ बढ़ाया और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ये यहाँ पर मिलती हुई अपीयर हो रही है। तो इस ऑब्जेक्ट के जो फाइनल इमेज होगी वो यहाँ पर बनेगी, तो ये है अपनी फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। तो देखो इस ऑब्जेक्ट की इमेज एक बार इस लेंस ने बनाई ये बनी, फिर इसकी फाइनल इमेज ये बन रही है, तो अपना ऑब्जेक्ट कितना था और उसकी इमेज काफी बड़ी बन चुकी है देख रहे हो आप लोग, तो इस टाइप से इमेज को बड़ा कर देता है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। एक चीज और समझना, इस वाले लेंस के लिए ये जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी यू, ई वाले लेंस के लिए है तो यू ई लगा देंगे। साइन कन्वेंशन की बात करें तो इसके इधर का साइन पॉजिटिव लेते हैं और इधर नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब देखो जो हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ते हैं एम इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा, उसमें बीटा होता है इमेज सॉरी एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई। तो देखो अपनी जो फाइनल इमेज है वो ये बन रही है, तो कितना एंगल बना रही है उसको हम बोलते हैं बीटा, और अल्फा क्या होता था, अल्फा होता था एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट डी, डी डिस्टेंस पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो अपना ऑब्जेक्ट ए बी है, इसको हमने डी डिस्टेंस पर रखा तो ये ऑब्जेक्ट है अपना ए बी, इसको हमने डी डिस्टेंस पर रखा सपोज दैट दिस डिस्टेंस इज डी, तो ये ऑब्जेक्ट आई के ऊपर जितना एंगल बनाएगा दैट इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। साइन कन्वेंशन की बात करें तो साइन नेगेटिव हो जाएगा इधर है, तो ये अल्फा है और ये है अपना बीटा। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, मैग्निफिकेशन निकालते हैं कितना आता है, ये डायग्राम को अच्छे से एक बार नोट कर लेना, उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं। तो डायग्राम को एक बार दोबारा से देख लो अच्छे से, ये अपना ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस है, इसकी फोकल लेंथ एफ नोट है, इसकी फोकल लेंथ एफ ई है। इस ऑब्जेक्ट के सामने हमने कोई सॉरी इस लेंस के सामने हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा,
जिसकी इमेज ये बनती है ए डैश बी डैश। अब ये जो इमेज है इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसकी जो फाइनल इमेज है वो ये बनती है। एक चीज और ध्यान रखना, फाइनल इमेज है वो आईपीस वाले लेंस बनाता है, तो ध्यान रखना ये चीज। फाइनल इमेज जो एंगल बनाती है वो होता है बीटा, और ऑब्जेक्ट जब डी डिस्टेंस पर हम उसको रखते हैं जो एंगल बनाता है होता है अल्फा। ये सब चीजें हमने समझ लिए हैं। अब इसका मैग्निफिकेशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता था एम इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। और अपने को पता है ये जो माइक्रोस्कोप है इसकी हेल्प से हम बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो ये जो एंगल होंगे अल्फा और बीटा ये बहुत स्मॉल होंगे। एंगल अल्फा और बीटा स्मॉल हैं, अल्फा और बीटा स्मॉल हैं, तो हम बीटा को लिख देंगे टेन बीटा और अल्फा को लिख देंगे टेन अल्फा। ऐसा क्यों करते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा अपना यहाँ से एम इक्वल्स टू टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। अब अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेन बीटा की और टेन अल्फा की। देखो टेन बीटा की वैल्यू हम इस वाले ट्राइंगल से फाइंड आउट कर लेंगे और टेन अल्फा की वैल्यू हम इस वाले ट्राइंगल से फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेन बीटा की। तो टेन ट्राइंगल, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ओ डैश ए डैश बी। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ डैश, ये वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, इसमें टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा। देखो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होगा और ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश अपॉन में बेस है ए डैश ओ डैश, और ए डैश ओ डैश को हम लिख सकते हैं माइनस यूई हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन में माइनस यूई। ओके, अब हम टेन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस वाले ट्रायंगल से। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ tan alpha equals to तो tan theta के वही perpendicular अपॉन में बेस, तो AB अपॉन में minus b हो जाएगा ये। तो ये tan beta और tan alpha दोनों की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ये वैल्यू जो है tan beta और tan alpha की, इसको हम इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। देखो नई इक्वेशन आ जाएगी अपने, तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ tan beta and tan alpha in equation first, तो यहाँ से magnification आ जाएगा अपना m equals to a dash b dash upon में minus u e divided by a b upon minus d। देखो negative sign से negative cancel हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a dash बी डैश अपॉन में ए बी इंटू डी ए ऊपर चला जाएगा डी अपॉन यू ई। अब यहां पर अपने को ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो दो ट्राइंगल लेते हैं सिमिलर ट्राइंगल, यहां पर देखना ये दो ट्राइंगल जो है ए बी ओ और ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। सिमिलर ट्रायंगल क्यों है, देखो इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री है, इसका ये 90 डिग्री है, और दोनों ट्रायंगल में इधर वाले इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल और इधर वाले ट्रायंगल का ये एंगल दोनों इक्वल हैं, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है वो अपने को पता है कि जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। मीनिंग क्या है, देखो इस वाले ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो है ए डैश बी डैश, और इधर वाले ट्रायंगल का जो
जो परपेंडिकुलर है वो है ए बी, इसका रेशियो इक्वल होगा इधर वाले ट्रायंगल का बेस ओ ए डैश और इधर वाले ट्रायंगल का बेस ओ ए। अब दोनों की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ओ ए डैश की वैल्यू देखो क्या है, ओ ए डैश इसकी वैल्यू है बी नोट और OA की जो वैल्यू है ये है माइनस यू नोट। तो यहां से अपने पास ए डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू आ जाती है वी नोट अपॉन माइनस यू नोट। तो ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा अपना एन प्लस टू वी नोट अपॉन यू नोट नेगेटिव एन टू डी अपॉन यू। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। इसका जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव आ रहा है और मैग्निफिकेशन जब नेगेटिव आता है तो उस केस में जो इमेज बनती है फाइनल वो इरेक्ट सॉरी इन्वर्टेड बनती है, उल्टी, ऑब्जेक्ट ऐसे था उसकी इमेज ऐसे बन रही है। तो इसको इक्वेशन दे दो कोई भी, सपोज दैट दिस इक्वेशन इज थर्ड या टू कुछ भी दे दो। तो ये मैग्निफिकेशन हो गया। अब अगेन हम इसमें वही दो केस स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस होगा जब फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बने, सेकंड केस होगा जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बने। तो दोनों केस में मैग्निफिकेशन कितना आता है उसको स्टडी करते हैं, बिल्कुल ईजी है।